समझदार लोग हर एक आपदा को अवसर में बदलने का मादा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हर एक इंसान इम्यूनिटी और हेल्थ की बात करता है। बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं, तो क्यों ना इसी से जुड़ा हुआ व्यापार करें तो अच्छी कमाई होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोलेस्ट्रॉल फ्री सोया दूध और सोया पनीर के बारे में। पूरी डिटेल जानकारी मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको दूंगा। पूरा प्रोसेस, मशीन से लेकर के लागत और मुनाफा, लाइसेंस, हर एक जानकारी मिलेगी आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मशीनरी का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मतलब जहां से आपको मशीन परचेज करनी है उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बहुत ही कम है, मात्र 2 से 3 लाख रुपए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं बिना किसी देरी के कि प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि आप लोग जब प्रोसेस समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको चीजें जस्टिफाई करने में ज्यादा आसानी होती है। कुछ इस तरीके से टोफू बनाया जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। दोस्तों आपने जो 4 से 6 घंटे के लिए भिगोए हुए थे सोयाबीन, वो आपको यहाँ हॉपर में डालने हैं। ये है आपकी ग्राइंडिंग मशीन, आप देख पा रहे होंगे ऊपर टैप लगा हुआ है, वहाँ से आपका पानी आता जाता है। आपको दोस्तों इसमें नॉर्मल वाटर, रॉ वाटर यूज़ करना है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आगे बॉयल होगा तो इसमें कोई भी कीटाणु रहने की गुंजाइश नहीं होती है। और दोस्तों ये जो ग्राइंडिंग मशीन है, इसमें 2 पार्ट में, एक पार्ट में दूध निकलता जाता है ऑटोमेटिक सेपरेट होके, और एक पार्ट में आपका खली निकलता रहता है। ये जो सोयाबीन के छिलके होते हैं वो पार्ट होता है, इसको रिसाइकल कर लेते हैं। इसको आपने देखा कि पानी मिला करके इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करा गया, इसको फर्दर अभी फिर हॉपर में डालेंगे और ये अगेन ग्राइंड होगा। जब दोबारा ग्राइंड होगा तो इसमें और दूध निकलेगा, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट इफिशियंसी है वो अच्छी होगी, क्योंकि आपका कम से कम रॉ मटेरियल लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आएगा अगर आप रिसाइकल कर लेते हैं। उसके बाद ये आपका दूध जो है वो तैयार हो जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि SS304 जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील होता है वही यहाँ पर यूज करा गया है। सारी मशीनरी में आपको जो सेकेंड मशीन नज़र आ रही है वो है गैस फायर्ड कुकर या स्टीम कुकर, आप इसे बोल सकते हैं। इसमें आपका जो दूध है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल होता है। उसको बॉयल करने के बाद आगे फर्दर प्रोसेस होता है, वो आप देख पाएंगे। दोस्तों मैंने वीडियो में सारी जानकारी दी है लाइसेंस वगैरह की, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर दूध एक हॉपर में ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बिल्कुल गर्म दूध होता है, इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स होता है 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक में। तो दोस्तों ये इसको हल्का सा ठंडा करते हैं, करीब 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं। उसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का रस या कोई खट्टा पदार्थ जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है उसको ऐड करते हैं, वो इसलिए कि दूध को फाड़ना है। ये दूध जब फट जाता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसको फर्दर प्रोसेस में ले लेते हैं, आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर पनीर बनेगा। आपको स्क्रीन पर सारे नंबर नज़र आ रहे होंगे पुष्पांजलि एग्रो इंडस्ट्रीज़ के, यहाँ से आप पूरी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर कुछ भी आपको गुंजाइश रह जाती है इस वीडियो में समझने में तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, ये यहाँ से आप मशीनरी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से छान लिया जाता है आपका ये जो टोफू का पार्ट है, और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि बिल्कुल साफ़ सुथरा मैस यूज़ करा हुआ है। दोस्तों आपने एक बात पॉइंट करी यहाँ पर कि सारे जो कर्मचारी हैं वेल ड्रेसअप हैं, तो आपको जब भी बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि ये फूड ग्रेड बिजनेस है, तो आपको प्रॉपर ड्रेसअप कराने अपने वर्कर को। दोस्तों ये है आपका न्यूमेटिक प्रेस, ये पानी निकालने के लिए यूज़ होता है जिससे कि आपका पनीर एक शेप ले ले। आपको इसमें स्क्रू टाइप भी मिल जाएगा क्योंकि ये न्यूमेटिक है, आपको स्क्रू प्रेस भी मिल जाएगा अगर आपके पास में कंप्रेशर उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रोसेस पूरा समझ लिया। बात कर लेते हैं सर्वप्रथम कि आपको एरिया कितना लगना है। आपने इन्वेस्टमेंट तो समझ लिया कि आपका इनिशियली कितना आना है, उसके बाद में आपको बता दूं मैं एरिया कितना लगना है। इस पूरे सेटअप में आपको 1500 स्क्वायर फीट लगभग एरिया चाहिए होगा, जिसमें आप एक अपना ऑफिस भी बना सकते हैं जहां से आप अपना सेल वगैरह मैनेज करेंगे। दूसरी चीज, आपको लाइसेंस क्या क्या लेना है। आपको करना है FSSAI से रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये फूड ग्रेड बिजनेस है तो आपको फूड ग्रेड लाइसेंस लेना होगा। दूसरा, आपको GST लाइसेंस लेना होगा।
उसके बाद में आइए बात करते हैं मैन पावर की। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आपका पूरा प्रोसेस में 3 से 4 मैन पावर लगती है। सेल्स टीम आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, जितना आपको प्रोडक्शन करते हैं उस हिसाब से सेल्स टीम बढ़ा लीजिए। अब आइए बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों इस बिजनेस में आपका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी खुद की शॉप है जहां से आप इस तरीके के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपका मार्जिन करीब 30% तक है। लेकिन अगर आप इसको होलसेल में या रिटेल में जो लोग बेच रहे हैं उनको देते हैं तो आपका 5 से लेकर के 15% तक आपका मुनाफा होता है, जो कि काफी हद तक सही है। और अगर आप बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है, अभी ये मल्टी जो आपके मेट्रो सिटीज हैं वहां पर बहुत ही लोग ये कर रहे हैं, बहुत तरीके का आपको फ्लेवर्ड मिल्क भी दे रहे हैं सोया में, और आपका पनीर भी कई तरीके के फ्लेवर्स में आ गया है, तो वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप जब जिम वगैरह करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल फ्री मिलता है ये, तो इसलिए आपका ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और सोया तो आप जानते हैं कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और आपको मसल्स वगैरह के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आपकी ये सारी बातें हो गई, आपका मुनाफा हो गया, अब आपने मशीन तो देख ही ली है। तो दोस्तों मैंने लगभग चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन करी हैं, उसके बावजूद अगर आपको कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कंपनी को फोन कर लीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस आपका जो पर्टिकुलर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दूंगा। मैं जो भी आपकी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में एक कमाल के बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।